मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया शुक्रवार को उदयपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गोगुंदा देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया। आबादी के बढ़ने के साथ साथ 2031 तक उदयपुर को हर साल 2397 मिलियन घन फीट पेयजल की जरूरत होने का अनुमान है, जबकि अभी सालाना 1738 मिलियन घन फीट पेयजल की उपलब्धता है। हम इसे बढ़ा करके जहां की जितनी आवश्यकता है उतना पानी निश्चित रूप से हम करने वाले हैं। पेयजल की इस मांग से साल 2036 तक 2613 मिलियन घन फीट होने का अनुमान है। महाराणा प्रताप की इस नगरी में पेयजल आपूर्ति की इस मांग को पूरा करने के लिए हम देवास की तृतीय और चतुर्थ परियोजना की आज शुरुआत कर रहे हैं। देवास तृतीय परियोजना के तहत गोगुंदा तहसील के नथिया थाल गांव के निकट 703 एमसीएफ टी क्षमता के देवास तृतीय बांध का निर्माण कराया जाएगा।